इतने दिनों के हिमाचल की बॉर्डर स्ट्रिप में आई थिंक दिस इज द पीसफुल थिंग दैट आई हैव डन। दिस इज माय न्यू फाउंड लव इन द हिमालयस इन हिमाचल इन किन्नौर। नाकू में स्वागत है। क्लोज टू द इंडिपेंडेंट बॉर्डर हिमाचल की हाईएस्ट पीक भी दिखती है। आहा गुड मॉर्निंग, क्या बढ़िया भजन चल रहा है सुबह सुबह। और ये भजन आईटीबीपी कैंप के आसपास ही चल रहे होते हैं। तो मैं हूँ अभी खड़ी सुमदो में, सुमदो से जहाँ से स्पीति स्टार्ट होता है और इससे पीछे था किन्नौर, इस साइड पर है स्पीति। क्यों गई थी मैं लास्ट डे पर, ग्रेट एक्सपीरियंस। होप यू हैव वॉच्ड द वीडियो। वेलकम टू अनदर वन। आई एम हेडिंग टू किन्नौर टुडे। नाकू में पहुंच गई हूँ मैं आज। नाकू पहुंचते मुझे पता चला कि यहाँ पर आर्मी का कैंप लगा हुआ है, आईटीबीपी का कैंप लगाया है उन्होंने, हेल्थ कैंप फॉर द विलेजर्स। तो आई थिंक दिस इज वेरी गुड चांस फॉर मी। तो हम बात करेंगे कुछ लोगों से। ये आप क्या बना रहे हो? चाय? क्या बना? चाय में सत्तू लगा। आज तो वैसे भी हेल्थ कैंप है ना, चूली लगा के बनाते हो? चिल्ली का तेल लगाते हैं, फिर चीनी लगाते हैं, फिर घी लगाते हैं, ऐसे आटे की तरह गूंथते हैं, फिर खाने को आते हैं। तो जब नाकू की मॉनेस्ट्री लोग आते हैं लेकिन यहाँ पे आके ये रियलाइज नहीं करते कि उनको यहाँ पे खड़े होके हिमाचल की हाईएस्ट पीक नज़र आ सकती है, विच इज़ रियो पुरगिल बिल्कुल मेरे सामने। और बहुत ही यहाँ पे मुझे पता चला अंकल के थ्रू, उन्होंने मुझे रास्ते बताए थोड़े से कि यहाँ से ताशीगंज जाता है पैदल, 3 घंटे का यहाँ से चढ़ाई है ताशीगंज, चढ़ाई का अंकल थोड़ी यहाँ से ऊपर तक हो जो थोड़ी सी थी, बहुत चढ़ाई है, कुछ नहीं मैंने किया, आधा किलोमीटर चढ़ाई है, उसके बाद प्लेन सीधे जाने का। वैसे तो रोड भी है ना ताशीगंज, रोड भी है खापी से, रोड है तो आप वहाँ खापी से आराम से गाड़ी से जा सकते हैं। ठीक है, नाकू पहुँच तो गई हूँ, स्टे भी ढूंढना है नाकू में। यहाँ पे तो बड़े सारे होम स्टे लाइन लगे, होम स्टे की होम स्टे पे होम स्टे। आई थिंक आई एम गोना स्टे एट अ वेरी स्पेशल प्लेस विद वेरी स्पेशल पीपल। लेट मी सी, तो मैं वही ढूंढने जा रही हूँ। लाल छत वाला नहीं है? हाँ हाँ हाँ, ये लाल छत वाला, हाँ हाँ, वही है उसका। अच्छा, अंकल आंटी का ऐसे जाना है? वही रोड वही है, वो रहने को भी है क्या उनका? रहने को बहुत। अंकल जिले नमस्ते, आपका नाम धनी राम जी है? हाँ जी, हाँ जी। मेरे को रजत जी ने भेजा। अच्छा, वो क्लाइम करने आए थे रियो पुरगिल। हाँ जी, अच्छा अच्छा, हाँ उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पर आऊँ तो आपके पास चली जाऊँ। अच्छा अच्छा, धनी राम जी के हम्बल से स्टे में मैंने डिसाइड किया रुकने का, इसकी वजह बताऊंगी आखिर में। फिलहाल तो ये छोटा सा स्टॉप ओवर किन्नौर से स्पीति जाने वाले ट्रैवलर्स के लिए आज इस ट्रैवलर को अपना बनाने वाला था, इस बात का उसे दूर दूर तक अंदाजा नहीं था। ये हंगरंग वैली नाम का शब्द मैं पहली बार पढ़ रही थी, थोड़ा चैट जीपीटी से पता लगाया तो समझ आया कि हिमाचल की इस वैली में कुछ 57 विलेजेस आते हैं जिसमें से नाको एक है। नाको बहुत सुंदर लग रहा है, नज़ारे मैं आराम से दिखाऊंगी, मैं ही बैठ जाऊँ जरा, मैं भी अभी भी आई हूँ। इतने हाई ऑल्टीट्यूड पे 11,000 फिट, आई थिंक 11,000-12,000 फिट है ये भी, बट वी आर वेरी क्लोज टू द बॉर्डर, क्वाइट क्लोज। It's time to explore Nako. Number one spot is the Nako Monastery. अंदर बहुत बढ़िया प्रसाद मिल रहा है मोनेस्ट्री के अंदर, चटनी टमाटर की चटनी के साथ। जीरे, क्या बना रहे हो? पूरी बना रही हूँ। वाह, दे दो, भूख लग रही है। भूख लग रही होगी तो बहुत खा के जाओ। Thank you. चटनी, थैंक यू। ये चटनी किस चीज़ की है? चटनी टमाटर मिर्च पता नहीं क्या क्या। वाह, आते ही हो गया मेरा तो काम। दिन भर आज अच्छी मिली। हाँ, यही हूँ आज मैं। समगो ढाबा धनी राम जी के यहाँ। मैं मॉनेस्ट्री के अभी फर्स्ट चैपल में हूँ और इसी चैपल में किचन भी बना हुआ था, एंड दिस इज एन 11th सेंचुरी मॉनेस्ट्री। नाको और ताबो की मोनेस्ट्रीज लगभग एक ही समय पर एस्टैब्लिश की गई थी लेकिन दोनों बुद्धिज्म के अलग अलग सेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। नाको मोनेस्ट्री वज्रयाना बुद्धिज्म के बारे में बात करती है। मैं अभी मॉनेस्ट्री से निकल कर आई हूँ, बहुत ही सुंदर दोनों
वॉल्स पे, दोनों दोनों साइड पे पूरा पूरा पेंटिंग मड वॉल पे ना, और पेंटिंग भी वाकई में लग रहा है कि 11th सेंचुरी या उससे पुरानी की है। वेरी ब्यूटिफुल। और मतलब आई थिंक आई हैव अ थिंग फॉर रियली ओल्ड मोनास्ट्रीज। जिन्होंने ये मोनास्ट्री बनाया उनका नाम लोत्सा व रिंचेन ज़ांगपो है। 11th सेंचुरी में ये मोनास्ट्री बनाया, तो उन्होंने 11th सेंचुरी में ऐसा ही लगभग 108 मोनास्ट्रीज बनाया हुआ है। तो लद्दाख से बनाते 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 यहाँ पर हांगरंग वैली, इस वैली को हांगरंग वैली बोलते हैं। तो हांगरंग वैली भी उनका काफ़ी एक एक छोटे छोटे गाँवों में है उनका मोनास्ट्री। तो यहाँ बनाने के बाद वो वापस तिब्बत चले गए थे, क्योंकि वो सबसे पहले तिब्बत से ही आए थे। जब पहली बार वो यहाँ पर आए थे वो कश्मीर गए थे, तो वहाँ पर जैसे उनका पढ़ाई ख़त्म हुआ तो वहाँ पर 11th सेंचुरी की जो किंग थे, काफ़ी सालों तक वहाँ पर उन्होंने मंत्री का काम किया। बिहार साइड चले गए नालंदा यूनिवर्सिटी, बुद्धिज़्म के बारे में जो भी पढ़ा संस्कृत में पढ़ा। पढ़ाई ख़त्म करने के बाद वो वापस तिब्बत जा रहे थे। मोनास्ट्री जितना भी है सब उस समय बनाया हुआ है, तो उनको लोग द ग्रेट ट्रांसलेटर रतन भद्रा भी कहते हैं। उन्होंने जितना भी बुद्धिज़्म के ऊपर अपना पढ़ाई किया था संस्कृत से, उन्होंने टिबेटन में उन सबको ट्रांसलेट किया है। ये चैपल तो यहाँ पर शुरुआत में लोत्सावा ने चार बनाए थे ना, एक रात में बिल्ड हुआ मोनास्ट्री है। लोत्सावा पहली बार यहाँ पर आए थे तो यहाँ के कुल देवता हुआ करते थे रिवो प्रिक्यूल, अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करने के लिए। तो उन्होंने एक फैसला लिया था कि हम इस गांव के लिए कुछ करते हैं, तो यहाँ के कुल देवता ने यहाँ गाँव के लिए एक पानी का कुल बनाया हुआ है। अब यहाँ से ऊपर पहाड़ के तरफ देख सकते हैं उसको, वो एक लाइन जैसा बना हुआ है। तो ऐसा करके ये मोनास्ट्री उन्होंने एक रात में बिल्ड किया हुआ है। इनमें से एक चैपल मेरे ख्याल से यहाँ के कुल देवता का है। मोनास्ट्री के अंदर जितना भी पेंटिंग देखा सब कश्मीर के पेंटरों ने बनाया हुआ है। यहाँ पर कुछ लोगों से मेरी मुलाकात हुई और वो बोलते हैं कि यहाँ पर अब पुराने मकान में वो लोग अपना कैटल वगैरह रखते हैं, गायें बकरी जो भी है उनके पास, घोड़े। काफ़ी लोगों ने नए मकान बना लिए हैं इस एरिया से थोड़ा सा परे परे, मुझे भी आदत लग गई है इस शब्द की। खैर चक्कर लेकर आना है। Beautiful. Wow, these are नाको की गलियां। I hope they never change. बहुत 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 प्यारा है। Yes, I think this is the way to the lake. दो ही चीजों के लिए ट्रैवलर्स नाको पर अपना वाहन रोकते हैं, एक तो नाको मोनेस्ट्री जो हमने विलेज की एंट्रेंस पर ही देख ली, और एक ये नाको लेक। माना जाता है कि गुरु पद्मसंभवा ने यहाँ पर मेडिटेट करा था। यहाँ पर कहीं एक पत्थर है जहाँ पर उनके पैरों के निशान भी मिलेंगे देखने को। सर्दियों में यह लेक फ्रीज हो जाती होगी तो इसकी सुंदरता अलग ही नजर आती होगी ना। लोगों ने बताया कि यहाँ पर आइस स्केटिंग की प्रैक्टिस करी जाती है तब। कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? माने पाने करने गया, दर्शन करने मोनास्ट्री के। ओके जा रहे ढाबे पे। नागो विलेज घूम कर मैं आ गई हूँ, और मैं अब कहाँ स्टे कर रही हूँ, जिनके ढाबे में मैं इस टाइम बैठ के कढ़ी चावल खाने वाली हूँ, मैं उन्हीं के यहाँ पर स्टे कर रही हूँ। अंकल आ गए, मैं इनको ढूंढ रही थी। पूरा गांव घूमा अंदर से बाहर मैंने। कैसा लगा? बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर है। हमारे कड़ी चावल भी आ गए हैं। अंदर से तो गांव तिब्बत जैसा लगता है। तिब्बत जैसा? हाँ। है ना? बिल्कुल। ले लद्दाख और यहाँ के एक जैसा, लेकिन वहाँ पे थोड़ा मॉडर्न हो गया है। यहाँ पे अभी भी थोड़ा सा मॉडर्न भी है, लेकिन पुराने घर भी है। ये ढाबा तकरीबन 30 साल हो गया। इससे पहले भी होटल करते थे, नीचे यंगथंग में करते थे पहले। जो मेन रोड यंगथंग से था ना ऊपर को, वो बंद हो गया। यंगथंग से काजा वो नीचे से था नदी किनारे, वो बंद हो गया बिल्कुल ही। फिर हमको यहाँ शिफ्ट करना पड़ा। 20-22 तक तो चलो वैसे ही घूमते रहते हम लोग, कुछ भी नहीं। उसके बाद फिर मैं IGPP में फोर्स में गया था, 8 साल किया, फिर मैंने छोड़ दिया। बॉर्डर के हालात ऐसा है कि ऐसा तो कुछ भी नहीं हमारे बॉर्डर में, कोई मतलब उस टाइम तो अच्छे है।
उन दिनों में उस टाइम अभी का तो रात दिन के फर्क पड़ गया। उन दिनों में कोई खतरा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, अभी तो ऐसा है कि चाइना से खतरा है बोलता है, कहीं ऐसे ऐसे इस तरह की बातें करते हैं। फौज तैनात कर दिया आप तो, आपका यहाँ पर 61-62 में जो यहाँ सिपकी में जो छोटा मोटा लड़ाई हुआ था ना, उस टाइम तो हमारे यहाँ रोड ही नहीं था। ITPP के टाइम पे 42 दिन का था यहाँ, उस टाइम में ITPP में था हम लोग। बेस कैंप 1, 2, 3, 4 उतर तक गया था ना, लास्ट तक। तो ITPP ने जो है ना वो क्लेम करके जो है ना पूरा झंडा लगाया था इन्होंने, तिरंगा झंडा। मैं पोर्टर था, हम लोग थे यहाँ किन्नौर के 15-16 लड़के थे ना, हम लोग ITPP में ही था उस टाइम। नाको से जाते जाते धनी राम जी ने मुझे हिमाचल की हाईएस्ट पीक रियो पुरगिल पर जो ITBP ने समिट करा था उसकी कहानियां सुनाई। उन्होंने ये भी बताया कि इंडियन आर्मी भी आई थी लेकिन वो समिट नहीं कर पाए। बता रहे थे कि रियो पुरगिल के साइड में एक बहुत बड़ा बर्फ का पहाड़ है जिसकी वजह से कई लोग उसे समिट नहीं कर पाते। तो आज तक कुल मिलाकर एक ही टीम ने उसे समिट करा है, वो है ITBP। सिबाज के गाँव तो हमने वहाँ से देखा है, जहाँ तक हमारे गाड़ी जाता है वहाँ से जो है ना फर्स्ट गाँव जो तिब्बत का शुरू है, तो वो हमारे बॉर्डर से वो गांव तक जाएंगे ना पैदल, आधा घंटा लगता है। एक शिपकी से देखते हैं वहाँ से, फिर वो जो पहला गांव तिब्बत का वो भी थोड़ा सा है, 2-3 किलोमीटर बस ओनली। बिजनेस वगैरह तिब्बत से लिंक रखता है, तिब्बत से आते हैं भेड़ बकरियाँ लेके, 250-300-500 भेड़ बकरी लेके आते हैं यहाँ पर हमारे गाँव में, नमक लेके आता है, फिर हमारे यहाँ से जो देते हैं हम इनको। हमारे बुजुर्ग लोग जो है ना 500 बेड्डू का ऊन कटेगा तो 250 बेड्डू का ऊन मुफ्त में देंगे हमको, 250 का हम कीमत देना पड़ेगा। उस टाइम खुला था ना, अब तो बंद है बिल्कुल ही। नाको के आखिरी दिन पे नाको में हो गई है स्नोफॉल। मुझे एक्चुअली मोनेस्ट्री जाके रियो पुरगिल माउंटेन देखना था दोबारा से, बट आई थिंक दैट इज तो कम्प्लीटली नॉट पॉसिबल। तो अभी मैं फिलहाल ये जगह छोड़ के किसी और जगह पर जा रही हूँ, नॉट इन दैट HRTC बस, बिकॉज दैट्स नॉट गोइंग देयर एंड आई थिंक कोई बस उधर शायद नहीं जाती। सो आई माइट हैव टू हायर समथिंग, बट आई थिंक आई सी यू, देखते हैं क्या करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। ओके, दिस इज द साइनिंग ऑफ, बाय। तो ChatGPT से पूछोगे कि यहाँ जाना चाहिए कि नहीं, तो वो तो बोलेगा देयर इज नथिंग मच टू सी, लेकिन आप उसकी नहीं मेरी सुनना और यहाँ जरूर स्टे करना। ब्यूटिफुल नाको विलेज हैज बीन सेट अप, बीच में सारे खेत हैं, पीछे वो नई बिल्डिंग्स हैं, उसके पीछे पुराने घर हैं, पुराने घरों के बीच में और नई बिल्डिंग्स के बीच में मोनेस्ट्री है। वेरी वेरी ना 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 सो गुड यार, यू हैव टू कम हियर।